नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। श्रीलंका की आर्थिक हालात और हिंसक झड़प ने देश और आसपास के पड़ोसी देशों को भी झकझोर के रख दिया है और इन सब के बीच में श्रीलंका निवासियों ने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री का त्याग करते हुए इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद मजबूरन सत्ताधारी महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। अब श्रीलंका की कमान संभालने के लिए नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद अब रानिल विक्रमसिंघे ने संभाल लिया है और इसी के साथ ही शुक्रवार को नवनियुक्त प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने आगाह किया कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति सुधरने से पहले और खराब होने वाली है। श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ईंधन की भारी कमी हो रही है, वही खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। कुछ श्रीलंकाई नागरिक भोजन छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्व भर से और अधिक वित्तीय मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री ने पद संभालते हुए देश को ढांढस बांधते हुए कहा कि भुखमरी की समस्या नहीं होगी, हम भोजन हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दी है कि देश का सबसे खराब आर्थिक संकट सुधरने से पहले और भी खराब होने वाला है। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को खंडित बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई लोगों के लिए उनका संदेश है कि धैर्य रखें, मैं चीजों को पटरी पर लाऊंगा। बता दें कि देश की कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था को उबारने और राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने का इरादा जताते हुए यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी कि यूएनपी के नेता विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे अब तक के 4 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके हैं। महिंदा के 2020 में पीएम बनने से पहले भी रानिल ही श्रीलंका के पीएम थे। वे 1983 में पहली बार पीएम बने थे। इसके अलावा रानिल उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार मंत्री सहित कई और मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। अब देखना ये है कि देश की मौजूदा स्थिति संभालने में क्या रानिल विक्रमसिंघे सफल हो पाएंगे और इस पर आप लोग की क्या तर्क है वो भी बताएं। क्या ये नए प्रधानमंत्री को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।